हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। SRF लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के नतीजे पेश कर दिए हैं। कैसे कुछ नंबर्स आए हैं, चलिए फटाफट से एक बार चेकआउट कर लेते हैं और क्या आगे की रणनीति इन नंबर्स की वजह से स्टॉक पर पड़ेगी। तो सारी की सारी जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो करोड़्स में दे रखी हैं। ये हैं आपके क्वार्टर फोर के नतीजे, क्वार्टर थ्री लास्ट ईयर क्वार्टर फोर के नंबर्स। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मिला के टोटल इनकम जो जनरेट हुई है तो टोटल इनकम जो रही है इस क्वार्टर के अंदर 2952 करोड़ की है, जो कि क्वार्टर थ्री के अंदर 2534 करोड़ थी और लास्ट ईयर क्वार्टर फोर के अंदर 3176 करोड़ के आसपास की थी। इनकम जो है कहीं ना कहीं ईयरली बेसिस पर अगर आप देखें तो यहाँ पे डिक्लाइन हुई है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे टोटल इनकम में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है। टोटल खर्चे की अगर मैं बात करूं तो 2493 करोड़ का खर्चा इस क्वार्टर में रहा, जो कि क्वार्टर थ्री में था 2182 करोड़ और लास्ट ईयर था 2426 करोड़। तो लास्ट ईयर के मुकाबले भी इस क्वार्टर में खर्चा बढ़ा है और क्वार्टर थ्री के मुकाबले भी इस क्वार्टर के अंदर SRF लिमिटेड का खर्चा जो है एक्सपेंसेस बढ़े हैं। हालांकि इनकम में जिस तरीके की बढ़त मिली थी उस तरीके से खर्चे में काफ़ी बढ़त देखने को मिली है और इसी वजह से नेट प्रॉफिट जो है वो कम होता आप लोगों को नज़र आएगा। क्वार्टर थ्री में था 262 करोड़, जो बढ़कर हुआ 437 करोड़, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 580 करोड़ से घटकर 437 करोड़ हो चुका। तो नंबर्स उतने अच्छे नहीं देखने को मिले हैं SRF लिमिटेड के और इसकी वजह से स्टॉक में फर्दर 2400 से लेके 2300 तक के डाउनसाइड तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जो है नंबर्स उतने ज़्यादा अच्छे कंपनी ने पेश नहीं किए, तो थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें। हालांकि आप लोग बेसिक और डायलूटेड EPS की बात करें तो 14.75 है, जो कि क्वार्टर थ्री में था 8.875 और लास्ट ईयर क्वार्टर फोर के अंदर था 19.59। तो EPS में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइनमेंट है और नंबर्स के अंदर भी डिक्लाइनमेंट जो है SRF लिमिटेड के क्वार्टर फोर के अंदर देखने को मिला है।